आदरणीय श्रोतागण, आज मैं त्रिमूर्ति कैशिक के सौजन्य से जनता की बेहद मांग पर खूनी चुनरिया भाग 3 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भाइयों, आपने मेरी आवाज में खूनी चुनरिया के भाग 1 और भाग 2 पहले सुने हैं और सुनकर काफी सम्मान दिया है। मुझे आशा है कि इसी प्रकार मुझे सम्मान देते रहेंगे और हम आपकी मांगे त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से पूरी करते रहेंगे। तो चलते हैं कथा की ओर। भाइयों, भगवान शंकर जी की कृपा से गोपाल और श्यामा जिंदा हो जाते हैं और वो चलते हैं, लेकिन श्रोता बंधुओं, इसके लिए आप लोग खूनी चुनरिया भाग 1 और भाग 2 अवश्य सुने। इधर गोपाल अपनी पत्नी को अपना लेता है और कुछ दिन श्यामा अपनी सास के साथ अपने भाई गोपाल के घर रहती है। उसके बाद श्यामा अपनी सासुर के साथ अपनी ससुराल जाती है। यह कथा त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से खूनी चुनरिया भाग 3 में सुनेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं। सासुर संग श्यामा जा ससुरे में पहुंची जाए रे ना दे रउआ रे लगाई। भाइयों, कुछ समय के बाद श्यामा अपनी सास के साथ अपने ससुराल को जाती है। बंधुओं, श्यामा अपने भाई गोपाल के घर से सासुर के साथ ससुराल में पहुंची। हंसी खुशी के साथ जीवन यापन होने लगा। श्यामा अपने पति और सास ससुर की मन लगाकर सेवा करती है। कैसे, सुनो। अब सुनियो कथा अंगारी रे, रोहनी की बदरिया कारी रे। सोचता है श्यामा प्यारी रे, करा तने नजरिया कैसी डारी रे। अब भाइयों, श्यामा के दिन हंसी खुशी से व्यतीत हो रहे हैं। उधर उसका भाई गोपाल अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से रह रहा है, मगर भाइयों, श्यामा की जिंदगी में खुशी शायद भगवान ने नहीं लिखी थी। हुआ क्या, सुनो। सासुल भाई बीमार रे, सुनो अति भारी। कुछ समय के बाद श्यामा की सास बहुत बीमार हो गई। हुआ क्या, देखी श्यामा ने हालत बिगड़ गई है सारी। महाराज अभी
छोटा बंधुओ, श्यामा की सास एकाएक बीमार पड़ गई और काफी इलाज कराने पर भी श्यामा की सास ठीक नहीं हुई। डॉक्टरों ने यही नहीं जान पाया इसे कौन सी बीमारी है, उसका इलाज ठीक नहीं कर पाया। श्यामा की सास बहुत कमजोर हो गई। एक दिन हुआ क्या, एक दिन की बात, सास कहे श्यामा सोबानी, एक दिन श्यामा की सास श्यामा से बोली, बहू और देख देख बहू अरे अपनी कुम्हारी बिलखानी, बह रहो नैनन से पानी। आज श्यामा की सास रो रही है, कह रही है बहू बह रहो नैनन से पानी, रोई रोई के आज गले से श्यामा लिपटानी, आज रो रो के उसने श्यामा को अपने गले से लगा लिया है। बहू मेरे प्राणन की प्यारी, अब बचे न मेरे प्राण, कहाँ है मेरो यो तारी, कहने लगी बेटी अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, मुझे पता है मेरा बेटा कहाँ है, जल्द से बेटा बुलबाइए। बहू जल्दी से मेरे बेटा को बुलवा दे, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, जल्द से बेटा बुलवा दे, मरती बिटिया मेरे लाल को दर्शन करवा दे। बेटी मेरे मरते समय मेरे बेटा से मेरा मिलन करवा दे। श्यामा ने अरज सुनाई है, पैसा की खातिर बालम उदय विदेश जाई है। माँ आपने और पिताजी ने उन्हें पैसा कमाने के उद्देश्य से बाहर भेज दिया, कोई उनका पता नहीं है। माँ हाय श्यामा बिलखाई है, सैया को ना ही पतो मात कैसे दिखलाई है। माँ मुझे उनका कुछ पता नहीं है, मैं कैसे बुलवा दूँ। माँ याद कर सासुल घबड़ावे, मैया रही है रोई विदेशर बेटा मेरा सोवे, भाइयों अपने बेटा की याद कर श्यामा की सास बहुत रो रही है, लेकिन उसके बेटा का कोई पता नहीं है कि कहां पर वो नौकरी कर रहा है। भाइयों शाम का समय था, पुरवाई हवा चल रही थी, आकाश में काले बादल थे, पानी की फुहारें श्यामा के दिल को हिला रही थी। आज हुआ क्या, श्यामा रही है सोच क्या होने वाला है, विधुना का यह कैसा खेल निराला है। आज श्यामा रो रही है, कह रही है प्रभु तुमने ये क्या किया है। मार रही है सोच क्या होने वाला है, विधना का यह कैसा खेल निराला है। आज
हमारी माँ की हालत दिन दिन खराब होती जा रही है, लेकिन घर पर इतना पैसा नहीं है, हम दवाई करवाएं तो कहाँ से, कोई भीड़ धरने वाला भी नहीं है प्रभु। सासु लिकायन तो समैया नहीं कोई धीरा धरैया, बछड़ा बिन रोती गैया, सब घुमर पड़ी है नैया की बड़ा कसाला है, बिदना काया कैसा खेल निराला है। और आगे श्यामा रो रो के क्या कह रही है प्रभु, घर में पैसा प्रभु नाई, इधर श्यामा रही बिल खाई। श्यामा रो रही है, कह रही है प्रभु मेरे घर में पैसा नहीं है, मैं दवाई करवाऊं तो कहां से करवाऊं प्रभु। घर में पैसा प्रभु नाई, इधर श्यामा रही बिल खाई। मेरे पति घर है नाई, दुखड़ा दो है आई न जाई संभाला है, विधवा का यह कैसा खेल निराला है। भाइयों बहनों, श्यामा ने अपनी सासुल की बहुत दवाई करवाई, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। आगे हुआ क्या, सासुल अति बेजार रही, चिंगारी बड़ी घबराई, श्यामा दीर बंधइए रे मैया कही बहराई। आज श्यामा के साथ कह रही है बहू, अब मेरे दिल में भीड़ नहीं आ रही है, श्यामा धीर बंधइए मेरे रहिए बहराई। पर कड़ी न मुँह से बात कपिला गात, सुना सब भाई सुना सब भाई, सासुल मर के आज रे स्वर्ग को गई सिधाई, सासुल मर के आज रे स्वर्ग को गई सिधाई। भाइयों, श्यामा की सास जैसे ही खत्म हुई तो श्यामा की डिटकारी नहीं रुकी है और बहुत जोर जोर से आज रोने लगी है। अरे मैया ने का बोल रे सुनाए दे, माँ मुझे बोल सुना दे, तेरी बहू तुझे टेर रही है माँ। अरे मैया
और तू श्यामा को समझाई दे। भाइयों, अपनी सासुर की लाश पर आज श्यामा गिर पड़ी है, हाथ जमीन में मार रही है, आज रो रही है। भक्तों कैसे सुनो, माता उठी बोले सुनाई दे श्यामा रही है अति रोई। आज श्यामा रो रही है, कह रही है माँ मुझे बोल सुना दो, तुम्हारी बहू बुला रही है। माँ माता उठी बोल सुनाई दे श्यामा रही है अति रोई। छोड़ के मैया चली गई विपत्तिया घर में भगवान। आज तुमने ये मेरे ऊपर कैसी विपत्तियां डाली है भगवान। धीरन कमा तो बनाई दे श्यामा रही है अति रोई। माता उठी बोल सुनाई दे श्यामा रही है अति रोई। हाय अब कैसी करूं दैया चली गई बिन बछड़ा गैया। प्रभु मैं कैसा करूं, मैं क्या करूं, मेरी सास के मन के मन ही में रह गई, मैंने उसके बेटे को नहीं बुला पाया भगवान। हाय अब कैसी करूं दैया चली गई बिन बछड़ा गैया। मातम को समझाए दे श्यामा रही है अति रोई। माता उठी बोल सुनाई दे श्यामा रही है अति रोई। भाइयों, इस प्रकार श्यामा का करुण क्रंदन लाश के ऊपर देख नगरवासी आकर के श्यामा को समझाते हैं, धीर बंधाते हैं, कहते हैं बेटी रो मत, धैर्य धारण करो। भाइयों, श्यामा के सास की अर्थी सजाई गई, मगर गांव वालों को एक चिंता हुई कि इसका बेटा घर पर नहीं है, इसका दाग कौन लगाएगा। भाइयों आगे हुआ क्या सुनो। गए मरे घट में आई रे होनी खेल दिखाओ। श्यामा की सास की लाश को लेकर के जब मरघट में आते हैं ये लोग, तो वहां पर होता क्या है। श्यामा को तब सैया लौटी घर आओ। श्यामा का पति विदेश से लौट करके आ गया घर पर।
महाराज मात को रूप निहारो है। गिरो तुरत गस खाई होत तब तन को बिसारो है। अब तो रोए रोए बेटा कहे मात क्यों छोड़ी सी धारी है। अब तो रोए रोए बेटा कहे मात क्यों छोड़ी सी धारी है। गांव वालों ने श्यामा के पति को समझाया और कहा, बेटा मरघट में रुधन नहीं किया जाता है, तुम तो समझदार हो भाइयों। और श्यामा के पति ने अपनी माँ का दाग संस्कार किया है और शुद्ध कर्म सब अपनी माँ के करवा के श्यामा का पति श्यामा के साथ हंसी खुशी से रहने लगा। कुछ समय के बाद हुआ क्या, श्यामा के बालालो सुनावे हाल सभी सरदारी। जाको चंदा जैसो मुखड़ा रे दमकत है लिलारी। श्यामा के बहुत सुंदर बच्चा पैदा हुआ है। श्यामा ने एक बहुत अच्छे पुत्र को जन्म दिया, बहुत सुंदर है देखने में, और उसका नाम गोविंद रखा गया। भाइयों बहुत अच्छा नाम है, लेकिन भाइयों ये भगवान को मंजूर नहीं था। और जैसे ही घर में ये बच्चा पैदा हुआ है तो श्यामा के घर में बहुत गरीबी आई है। और हुआ क्या सुनो, अरे बिगड़ी के दिन गए आई। अरे बिगड़ी के दिन गए आई और श्यामा मन में घबराई। भाइयों अब तो श्यामा के घर में बहुत गरीबी आ गई है, श्यामा बहुत घबराती है। और पति से अरदास सुनाई सुनाई गजब सुनाई। और सैया सुनियो चितलाई, और सैया सुनियो चितलाई। भाइयों श्यामा अपने पति से कहने लगी है, स्वामी पैसा बिन कैसे राजा रे हो ई गुजारो। स्वामी बिना पैसा के तो घर में कैसे भी गुजारा नहीं हो रहा है। गोदी में है छैया रे अब ही उम्र को बारो। कोई
के पति बहुत उदास हैं, अंत में नौकरी के लिए शहर चल दिए। इधर श्यामा अपने बच्चे को धीरे धीरे पालने लगी है। कैसे सुनो, श्यामा को दुख भारो, लला को पाले अंगना में। श्यामा को दुख भारो, लला को पाले अंगना में। श्यामा को दुख भारो, लला को पाले अंगना में। हाय गरीबी है दुखदाई, मो पे कहीं न जाई। आज श्यामा के घर में बहुत गरीबी है भाइयों, बहुत। हाय गरीबी है दुखदाई, मो पे कहीं न जाई। पास पड़ोसी सब ठुकरावे, श्यामा यत घबराई। हुई रहो संकारो है, लला को पाले अंगना में। श्यामा को दुख भारो, लला को पाले अंगना में। लाला हुई वो सुनियो ध्यान लगाई। धीरे धीरे श्यामा का बेटा 5 वर्ष का हुआ है। पैसा नहीं है पास बिचारी, सोच रही मन भारी। पैसा नहीं है पास बिचारी, सोच रही मन भारी। लाला बा को प्यारो है, भाइयों। जब गरीबी में बेचारी श्यामा बहुत दुखी हो जाती है, भगवान करे तो ये गरीबी किसी को न दे। वो आखिर औरत है, नौकरी करने को जाए तो कहाँ जाए। अगर जाती है तो लोग उसे बुरी नियत से देखते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं भाइयों। तो श्यामा कहीं नौकरी के लिए नहीं गई, तो आज वो अपने 5 वर्ष के बच्चे को लेकर के अपने भैया के पास गई। बड़ा अच्छा बच्चा था उसका। हुआ क्या, बेटा कूला साथ चली हर साथ पियर में आई। गोपाल भैया कुआई रे सारी बात बताई। श्यामा जब अपने पीहर में अपने बच्चे को लेकर के आ गई, तो उसने सारी बात आकर के अपने गोपाल भैया को बताई। कहा कि भैया हमारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, मैं अपना तो गुजारा कर लूंगी लेकिन इस बच्चे को मैं कैसे पालूंगी। और क्या बोली, बात बताई के बात बताई के बात बताई के बात बताई। गोपाल भैया को जाय रे सारी बात बताई। पैसा नहीं है पास खड़ी है उदास, बड़ी घबराई बड़ी घबराई। भैया तुम गोविंद कुरे दी जो यहाँ पढ़ाई। भैया तुम गोविंद कुरे दियो यहाँ पढ़ाई।
मां रोकर बोली, भैया हम तो अपना गुजारा भी नहीं कर पाते हैं, बेटा गोविंद को तुम अपने पास ही रखो और इसे पढ़ाओ लिखाओ और ये तुम्हारे काम में हाथ बटाएगा। तो जैसे ही बहन के ये वचन सुने हैं तो गोपाल सोचने लगा, सुन के बहना की बानी ले जाकू खुशिया जो मन मानी रे। जैसे ही बहन के वचन सुने तो बहुत खुश हुआ है, कहने लगा ठीक है ये हमारे पास रहेगा, थोड़ा बहुत काम करेगा। श्यामा की करी मेहमानी रे उता भाभी अति हरसानी रे। भाइयों और ननद और भाभी कैसे मिल रही हैं सुनो। ननद दूल्हे और भाभी मिल रही रे डाल गलवाही, गरीबी का हाल है श्याम अपनी भाभी को बता रही है। महाराज श्याम रही दिना दो चार, बाद में आई लौट सासुरे साधन कहे उचार, मेरे भैया रे बाद अपने पीहर में दो चार दिन रहकर अपने बेटा गोविंद को वहीं पर छोड़कर अपनी ससुराल में आ गई। धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। इधर गोपाल अपने भांजे गोविंद को पढ़ाने के लिए विद्यालय में प्रवेश करा दिया। बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ने के लिए रोजाना जाता है, सुनो खूब पढ़े चितलाई रे दिल में खुशी मनाई रे, करे प्यार यति मामा मामी सुनियो ध्यान लगाई रे। बहुत अच्छा बेटा है, रोजाना स्कूल जाता है, अपना मामा मामी की सेवा करता है, बहुत अच्छा प्यार करते हैं वो दोनों लोग उस बच्चे को। खूब पढ़े चितलाई रे दिल में खुशी मनाई रे, कर प्यार यति मामा मामी सुनियो ध्यान लगाई रे। मामा का बहुत काम करवाता है। गोविंद कंठ लगाई रे भारी रहो हर साई रे, कर प्यार यति मामा मामी सुनियो ध्यान लगाई रे।
चलाई रे, दिल में खुशी मनाई रे, करे प्यारी यति मामा मामी सुनियो ध्यान लगाई रे। पास हुआ गोविंद सुनो जी, अच्छे नंबर आए हैं, आकर के गोविंद बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। और जैसे ही उसने आकर के अपने मामा मामी को बताया है तो हुआ क्या, मामी रही घबराई रे, भारी मन पछताई रे, सोच जिगर में अति भारी है, एक आवे एक जाए रे। खूब पड़े चितलाई रे, दिल में खुशी मनाई रे, कर प्यार यति मामा मामी सुनियो ध्यान लगाई रे। भाइयों, श्यामा की भाभी आज श्यामा के पुत्र पर जलने लगी, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पति इस लड़के के ऊपर सब ये धन दौलत इसे दे दे, इस पर नौछावर कर दे और आखिर में यही हो कि ये लड़का अपने घर चला जाए, हम इसे पढ़ाएं लिखाएं, आखिर ये हमारा पुत्र तो है नहीं है। आज उसके दिल में बड़े बड़े विचार आ रहे हैं और क्या क्या सोच रही है। जो है नना तुल को लाल रे हमारो कब होवे, सोच रही है ये हमारा तो है नहीं है, इसे हम कितना भी खवाएं पिवाएं फिर भी यह अपने घर को ही जाएगा। मैं पिया कछु सोचे ना सुख में सोवे, लेकिन इसके बारे में और मेरे स्वामी तो बिल्कुल सोचते ही नहीं है, वो तो ऐसा समझते हैं मानो ये हमारा ही बच्चा, कितना प्यार करते हैं। आज वो जलती है उस लड़के पर। महाराज पिया को मैं समझाऊंगी, डर के गल में बहिया तिरिया चरित पढ़ाऊंगी, बाद न कर खेतन में काम लौट घर गोपाल आए हैं, बाद न कर खेतन में काम लौट घर गोपाल आए हैं। गोपाल आए हैं खेत से, गोपाल आए हैं बादिन कर खेतन से काम के भैया। भाइयों, गोपाल तो खेती का काम करके जब हार से आता है तो ये भोजन पर उसके लाती है, और जब गोपाल खाने लगता है तो कहने लगी है, स्वामी धीरे से बानी बोली है, सुन बाल मोयर हमारी है, घर गोदी में आ जा मेरे भी लाला बलम हजारी है, एक लाला बलम हजारी है। कहने लगी है, स्वामी अगर गोविंद की तरह अपने भी घर में एक अपना बच्चा हो जाए तो कितना अच्छा हो। आशा लागी बेटा की, मेरी आशा पूरी कर दो, मेरे नाथ सोच दिल भारी है, तुम मेरी भी गोभी।
भाइयों, जैसे ही गोपाल ने अपने और पराए का ये भाव देखा है तो अपनी पत्नी को बहुत समझाया, कहने लगा कि तू पगली हो गई है, अरे अपनी बहन का तो वो लड़का है, अरे तेरा क्या पराया क्या मेरा, अरे वो अपना ही बच्चा तो है, मेरी बहन का तो मेरा ही तो हुआ, तुम चिंता मत करो किसी बात की, वो अपना ही है, अपने ही पास रहेगा। और गोपाल क्या कहने लगा है सुनो, गोविंद बुढ़ापे में गोरी वो एक दिन बने सहारा है, वो एक दिन बने सहारा है, आखिर तुम मामी हो इसकी ये भांजा खास तुम्हारा है, आखिर तुम मामी हो इसकी ये भांजा खास तुम्हारा है। गोपाल कहने लगा कि इस तरह की बातें मत सोचो, आखिर वो हमारा भानेज है, वो हमारा घर छोड़ के कभी नहीं जाएगा। और क्या कहने लगा, हमरी तुमरी जोली में ही एक दिन श्यामा ने डाला रे, एक दिन श्यामा ने डाला रे, सुन लो तुम प्यारी मेरी भी वो मेरी आंखों का तारा रे, सुन लो प्यारी तुम मेरी भी वो मेरी आंखों का तारा रे। कहने लगा, तुम इस तरह की सोच रही हो, अरे वो तो मेरी आंखों का तारा है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जैसे ही गोपाल की पत्नी ने ये बात सुनी है तो सोचने लगी, अपने सैया की सुनवानी मन में अति वो घबराई रे, मन में अति वो घबराई रे, ये तो ननदी का बेटा है सैया कछु करो बिचारी रे, ये तो ननदी का बेटा है सैया कछु करो बिचारी रे। गोपाल ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि तू इस तरह के विचार तू क्यों करती है, आखिर वो हमारा भानेज है, वो हमारे घर में रहता है और तू इस तरह से विचार करती है, अरे ऐसा मत सोच, वो हमारा भानेज है, वो हमारा घर छोड़ के कभी नहीं जाएगा। लेकिन भाइयों, गोपाल की पत्नी पर गोपाल की बातों का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा और वो गोविंद के प्रति बहुत ईर्ष्या रखने लगी है, बड़ी जलती है। और एक दिन हुआ क्या सुनो, गोपाल खेतन में भैया रे काम करन जावे, भाइयों गोपाल खेतों में काम करने के लिए जाता है, इधर होता क्या सुनो, गोविंद बेटा पढ़ने को विद्यालय में जावे, गोविंद बेटा सुबह उठता है, काम करवाता है और फिर विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है। महाराज सुनो अब आगे को अब तो सोच सोच सरपंच के लालस प्रीत लगाई है, अब तो सोच सोच सरपंच के लालस प्रीत लगाई है, प्रीत लगाई है नारी ने प्रीत लगाई है, अब तो सोच सोच सरपंच के लाला से प्रीति ला।
भाइयों याद रखना, बदचलन औरत कभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आती। ये कुलटा बेशरम गांव के ही सरपंच के लड़का से प्रीत करने लगी। गोपाल घर पर नहीं है, गोविंद भी घर पर नहीं है, और ये दुष्टा उस लड़के से रंगरेलियां मनाने लगी है। कैसे सुनो, डाल गले गल बहिया कहती ऐसे नारी दीवानी रे, तुम मेरे हो दिल के राजा, मैं तेरे दिल की रानी। सरपंच का लड़का और गोपाल की पत्नी दोनों प्रेम कर रहे हैं। तभी विद्यालय से गोविंद आता है और दोनों को घर पर देख लेता है। वह तुरंत अपने बस्ता को रख के अपने मामा के पास जाता है और सारी बातें जाकर के खेत पर उसने अपने मामा को बता दी। मगर भक्तों, इधर इन लोगों ने जैसे ही गोविंद को देखा है तो इनके होश खराब हो गए और वो गोपाल की औरत क्या बोली है अपने प्रेमी से। तब प्रेमी से कही बात मैं सही तुम्हें बतलाऊं, हम तुम देखे गोविंद ने तुम्हें आज समझाऊं। कहने लगी, अब क्या होगा, प्रेम करते हुए गोविंद ने हम और तुम को देख लिया है। अब तो
कुछ उपाय करो। अरे आज समझाऊं तुम्हें, समझाऊं तुम्हें, समझाऊं पति समझाऊं, हम तुम देखे गोविंद ने तुम्हें आज समझाऊं। उधर बेटा गोविंद अपने मामा से खेतों पर जाकर सारी बात बताता है तो उसका मामा उसे फटकार कर कहता है, तू घर जा, तू अभी नादान है, इन बातों में तू क्या समझे। मगर भाइयों गोपाल को शंका होने लगती है। इधर गोविंद घर आता है तो उसकी मामी और मामी का वो प्रेमी मारने की योजना अनुसार तैयार खड़े हैं। कैसे सुनो। जैसे ही प्रेमी ने गोविंद बेटा को पकड़ो, जैसे ही उसके प्रेमी ने गोविंद को पकड़ा है तो हुआ क्या, अपने हाथन में बैरी ने भैया बात न जकड़ो, और उसने गोविंद को अपनी बाहों में जकड़ लिया है। भाइयों अब गोविंद रो रहा है। महाराज रोए के बेटा कहरो बेन, मामी क्यों मरवाओ हमको बरसे यसुआ नैन, आज तो रोए रोए बेटा कहे हती मैया सम तुम मामी। बेटा गोविंद रो रो के कहने लगा है मामी, और क्या कह रहा है, क्यों मर बाबो मामी हमको तरस आज दिल खाओ रे, रोए रोए के कहे लालू तो दिल में अत घबरा। मामी तुम मुझे क्यों मार रही हो, मामी मुझे मत मारो, मामी मुझे मत मारो, तुम मुझे कितना प्यार करती थी, आज तुम मुझे मार रही हो, मुझे मत मारो। क्यों मरवा मामी हमको तरस आज दिल खाओ रे, रो रो के कहे लाल जागो दिल भारी घबराओ रे। बेटा समय पालो तुमने मामी
तुमने मुझे अपना बेटा माना था, मुझे कितना प्यार करती थी, आज तुम मुझे मार रही हो। नहीं माई, ऐसा मत करो। बेटा सब मैं पालो तुमने, आज क्या बनी कुमाता रे। तुम कह दो तो आज लाला छोड़ जाए तेरे घर पूरे। मामी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा घर भी छोड़ जाऊंगा, लेकिन मुझे मत मारो। मामी मुझे मत मारो। दिल में तरस बिचार ली मामी, आज पढ़ू मैं पैया रे। छोड़ दे ओ मामी अब हमको काए पकड़ी बहिया रे। मामी मुझे मत मारो, मामी मुझे मत मारो। भाइयों, बेटा गोविंद अपनी मामी से अपने बचने की बहुत अरदास करता है। कहता है, मामी मुझे मत मरवाओ, मामी मुझे मत मरवाओ। लेकिन वो नहीं मानी और उसके प्रेमी ने गोविंद के गले में वो चाकू भोंक दिया और वो सिसकता रहा। भाइयों, शाम का वक्त था, उस बच्चे को ले जाकर एक झाड़ी में फेंक दिया। अब गोविंद मरा या बचा, अब ये वॉल्यूम नंबर 4 में सुनेंगे। भाइयों, सब लोगों को साधना का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो।